आई ट्रूली बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से आप लोग, हम लोग आशीषित होंगे। हालेलुया, प्रभु जी का धन्यवाद हो कि प्रभु जी ने हमें संभाला है और अनुग्रह दिया है कि हम प्रभु जी के चरणों में आ सकें और वचन को सुने, हम आशीषित हों। जितने वचन को सुनेंगे आशीषित होंगे, और कृपया कर इस वचन को स्किप मत कीजिएगा। और हालेलुया, वचन से रिलेटेड जो गवाहियां होती हैं उसे आप स्किप मत कीजिएगा कभी भी, जरूर शेयर किया करिए कि जो भी गवाहियां वचन के द्वारा आपको मिलती हैं वो आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं, उसे आप सुने भी और उसके अनुसार करें और दूसरों को भी बताएं कि हम आशीषित हुए हैं और हम आशीषित होते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ मी, मेरे लिए नहीं, लेकिन जब कोई वचन को सुनता है आशीषित होता है, और अगर वो गवाही शेयर करता है तो दूसरे लोग एनकरेज होते हैं कि वी विल ऑल्सो लिसन। नहीं तो क्या होता है, लोग नजरअंदाज करते चलते हैं, नहीं ध्यान देते, और इसलिए नहीं क्योंकि उससे मेरा फायदा है, इसलिए क्योंकि आपका फायदा है। मेरा काम प्रचार करना है और मुझे उसका प्रतिफल मिल जाता है, लेकिन जब आप प्रचार को सुनते नहीं है तो आप शायद कुछ अपने जीवन की व्यक्तिगत आशीषों को खो सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको सुनने की जरूरत है। एक छोटी सी गवाही है, प्रभु के दास अंकित भाई हमारे मेरे साथ हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो पिछले सर्मन में भी वो उपस्थित थे, तो वो अपनी गवाही को शेयर करेंगे कि उनके साथ बहुत छोटे, मतलब 5 से 10 मिनट में उनके साथ जो अनुभव हुए हैं वो बताएंगे कि क्या उनके साथ हुआ या क्या उनको महसूस हुआ, और वचन के आधार पर, वचन सुनने के बाद जो आशीष उनको मिली प्रभु जी के नियंत्रण में छोटे से समय में, वो अपनी गवाही शेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड सबको, मेरा नाम अंकित है। मैं एक गवाही शेयर करना चाहूँगा जो मेरे जीवन में ही अनुभव हुआ। लास्ट संडे के दिन जब सरमन चल रहा था, उस सरमन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें करी, और उसके पहले मेरा मन और मेरा हृदय बहुत अलग विचारों में चल रहा था, मगर जब परमेश्वर के दास के द्वारा जब प्रभु की वाणी मेरे तक पहुंची और प्रभु के उस वचन के द्वारा जब मैंने करेक्शन को देखा कि मेरी लाइफ में परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को अलग किया है मेरी लाइफ में, और उस सरमन के बाद से मेरी प्रार्थना, मेरा बाइबल पढ़ना, मेरी हर एक चीज़ में एक बदलाव को मैंने देखा। और जब मैं उस संडे से इस संडे तक मैंने अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखा, स्वभाव में, नेचर में, हर एक चीज़ में बदलाव को देखा, और जब मैं उन वचन को बार बार मैं उसको सुनता रहता, बार बार परमेश्वर का आत्मा मुझे बल देता था, और उसी चीज़ में मैं और दृढ़ होता गया और मेरे को अच्छा लगने लगा उस सारी चीज़ों में। और जब मैं आज वचन को फिर से, संडे के दिन था, तो मैंने कहा प्रभु मैं आज फिर वो वचन को सुनूंगा, और मैं वचन को सुन रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया। उस दर्शन में मैंने ये देखा कि एक सूरज है, उस सूरज के पीछे एक काला बादल है, सूरज के आगे काला बादल है। और जब मैं प्रभु से दुआ कर रहा था और उस चीज़ के लिए अंगीकार कर रहा था कि प्रभु मैं तेरे मार्ग में चलूँगा, जहाँ तूने मुझे रखा है उस मार्ग में मैं चलूँगा, जो सेवा तूने मुझे रखी उस मार्ग में, उसी सेवा को उसी मार्ग में मैं करूँगा। और मैं अपने बीते उन दिनों को परमेश्वर मुझे याद दिला रहे थे, उन सारी चीज़ों को परमेश्वर ने मेरी आंखों के सामने रखा। और जब मैंने वो दर्शन को देखा कि सूरज के आगे काला बादल है, और मैं अंगीकार कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था, जो बादल सूरज के आगे था वो बादल हट गया, और उस सूरज का प्रकाश को मैंने अपने ऊपर आते हुए देखा, और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करने लगा कि प्रभु जी आपने मुझसे बातें करी और अब एक नई शुरुआत मैंने अपनी लाइफ में देखी। और उस सरमन के बाद आज जो संडे मैंने वो दर्शन देखा, उसके बाद मेरे जीवन में परमेश्वर अगुवाई और छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव को कर रहे हैं, उस चीज़ को मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उन सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और इस वचन को जो बोला जाता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा और सारी बातों के प्रभु के नियंत्रण में, हमें इस वचन को स्किप नहीं करना, हमें छोड़ना नहीं है, हमें इसको सुनना है, वरन बार बार उसको मेडिटेट करना है, बार बार उसको पढ़ना है, बार बार उस पर ध्यान रखना है। मतलब प्रभु जी मुझे इस विषय में सिखाए थे कि ये एक हफ्ते का खाना है, और ये खाना सड़ेगा नहीं जब तक
एक हफ्ते नहीं, दूसरा हफ्ता नहीं आया, इसको खाते रहे, उसको चबाते रहे, उस पर ध्यान करते रहे, उसी चीज को लिखते रहे, उसी चीज पे ध्यान करते रहे। और उस चीज को जब मैं कर रहा तो मैंने उस चीज में बढ़ोतरी को देखा और अपने जीवन में, अपने परिवार में मैंने ब्लेसिंग को देखा। और मैं सारी चीजों के लिए, ये सब जो हुआ ये प्रभु की बड़ी दया और उसके अनुग्रह के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन खादिमों का भी, उन अभिषिक्तों का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। प्रेज द लॉर्ड। सो सारी बातों से प्रभु जी को महिमा मिले। और ये गवाही बताने का तात्पर्य ये था कि ये एक सर्वेंट ऑफ गॉड हैं, ये एक सेवक हैं और साथ में रहकर सेवा करते हैं। तो इनके जीवन में भी प्रभु जी ने ये बदलाव को दिया कि जब ये वचन को सुने तो आशीषित हुए। और जैसा उन्होंने कहा कि बादल था अब हट गया। जब आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हो तो आप आशीषित होते हो। कई लोग तो, अगर आप भूल गए हैं तो याद रखें, पिछला जो सरमन था वो मार्ग के विषय में था। और कुछ जो पद हैं जो आपको रिमाइंड कराएंगे बाद में, जो आप भूल चुके होंगे शायद, मैं पहले ही बोल देता हूँ। भजन संहिता 119 का 128 कहता है, इस कारण तेरे सब उपदेशों को मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूं और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। मिथ्या मार्ग मतलब रॉन्ग वेज, है ना, फॉल्स वेज, गलत मार्ग, गलत मार्ग से मैं चढ़ता हूं, बैर रखता हूं। हम लोग कई बार गलत, सही और गलत मार्ग का चुनाव और चयन नहीं कर पाते। कारण क्या होता है, हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन यहां पर वो दास कहते हैं कि मैं तो बैर रखता हूं गलत मार्ग से, जो मेरे लिए मार्ग नहीं है उससे मैं दूर रहता हूं। ना सिर्फ दूर बल्कि मैं बैर रखता हूं। भजन सही सॉरी नीति वचन उसका 16 का 25 कहता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मिक जीवन में आपका जो रियल मार्ग है उससे आप भटक जाओगे तो शुरू में तो आपको कुछ नहीं महसूस होगा लेकिन बाद में आपकी स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाएगी। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है लेकिन अंत में उसमें क्या है, मृत्यु मिलती है। मृत्यु मतलब आपकी, आपका, आपकी पीस खत्म हो जाएगी, आपका जॉय खत्म हो जाएगा, आपका चार्ज खत्म हो जाएगा, आपका उत्साह खत्म हो जाएगा, आपकी, आपके अंदर जो जिज्ञासा है बुलाहट के अनुसार सेवा करने की वो सब खत्म होती जाएगी और आप इतने नीरस से हो जाओगे और आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, मैं सब कुछ तो कर रहा हूं, आई एम फास्टिंग, आई एम प्रेइंग, मैं वेट कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, फास्ट कर रहा हूं, सब कर रहा हूं लेकिन क्या हो रहा है। और खासतौर पर हम वेट में उतना शायद बढ़ भी ना पाए, आई डोंट नो। यशाया 30 का 21 कहता है, जब कहीं तुम दाहिने या बाएं मुड़ो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है इसी पर चलो, मार्ग यही है इसी पर चलो। जब कहीं तुम दाएं और बाएं मुड़ने लगो तो पीछे से आवाज आएगी कि क्या, मार्ग यही है इसी पर चलो। आमीन। यशाया 30 का 21वां पद, इसको कभी नहीं भूलना अपने लाइफ में। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है कि तू भले मार्गों पर चल, है ना, धर्मियों की बाट को पकड़े रहे, धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे, खरे लोग उसमें बने रहेंगे, दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे, विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा भी आप आशीषित होने वाले हैं। आमीन। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते हैं, सारी महिमा और सारा आदर और सारा जलाल आपको देते हुए आपके पावन चरणों में रखते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने बीते समय में मुझे इस्तेमाल किया जबकि मैं बहुत ज्यादा कमजोरी में था, लेकिन प्रभु जी आपने मुझे खुदा ऐसा इस्तेमाल किया मेरे प्रभु की खुदा मेरी कमजोरी का प्रभु नामो निशान नहीं बचा। मैं विश्वास करता हूँ आज के दिन भी आप अपने वचनों के द्वारा अपने बच्चों को आप प्रभु अपनी वाणी देकर आप उन्हें बताएंगे, समझाएंगे, आप उन्हें आज़ाद करेंगे और प्रभु आप उन्हें कम्फर्ट करेंगे, आप उन्हें डिलीवर करेंगे, उनके जीवन की बुराई को आप दूर करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड, आई सरेंडर ऑल एंड आई प्रे लॉर्ड हैव योर कंट्रोल। आपका पूर्ण तह नियंत्रण मांगते हैं हर एक वचन पर, हर एक बात पर, हर एक प्रभु जी एक्सप्रेशंस पर। लॉर्ड वी नीड योर कंट्रोल। आपकी वाणी हर एक को आजाद करे, आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं, पूर्णतः स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में जुआ को मांगते हैं। आमीन।
विश्वास करता हूँ जितने लोग अपेक्षित हैं वे लोग आशीषित होंगे। हमारी जब से हम मसीह जीवन में आते हैं एक चीज़ हमारे जीवन के साथ साथ लगी हुई चलती है, उसका नाम है टेस्ट, उसका नाम है परख, उसका नाम है परख। और हमारी लाइफ में हमेशा एक चीज़ रहेगी और रहती है, वो है परख, जिसको हम कहते हैं टेस्ट। टेस्ट, अच्छा टेस्ट क्यों होते हैं हम सब जानते हैं। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने एक वृक्ष लगाया था जिसका वृक्ष का जो फल था खाने की मनाही थी और कहा था कि इसका फल नहीं खाना, जब तू खाएगा मर जाएगा। तो जब से मनुष्य बना है उसकी लाइफ के साथ साथ एक चीज़ चलती है, वो है टेस्ट, है ना, परख। परख है कि नहीं, हम सब की परख होती है, टेस्ट, है ना। और हमारे टेस्ट का जो रिजल्ट है ना, हमारे टेस्ट का जो रिजल्ट है वो हमारी लाइफ में निर्धारित करता है कि हम कहां जाएंगे। एक अच्छा मसीही जीवन, एक अच्छा मसीही योद्धा इस बात पर दिखाई देता है कि उसके जीवन में घाव कितने हैं, वो कितने युद्धों से गुजरा है, वो कितनी परिस्थितियों से गुजरा है, उसकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स आए। क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे विश्वास के परखे जाने पर, आपके पेशेंस के परखे जाने पर, आपकी लाइफ में बार बार परख आने पर आप सिद्धता को प्राप्त करते जाते हो। इससे पहले कि किसी भी चीज को आप ट्राई करो, टेस्ट करो, आप उसे यूज करने के पहले हमेशा टेस्ट करोगे। परमेश्वर भी हमें जब अपनी सेवा के लिए बुलाते हैं तो उसके बाद हमारी लाइफ में श्रृंखलाएं चालू हो जाती हैं, टेस्ट की, परख की श्रृंखलाएं चालू हो जाती हैं। प्रभु के अभिषेक दास पास्टर बेनी जी बहुत अच्छा इस विषय में, एक बार जब मैं बहुत नया नया विश्वास में आया था तब उन्होंने इस चीज के विषय में प्रचार किया था। हालांकि वो प्रचार जो है आपको यूट्यूब में शायद मिल जाएगा, लेकिन ये प्रचार थोड़ा सा भिन्न है और ये आपके लिए बहुत ब्लेस्ड होने वाला प्रचार है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है कि चलिए इससे पहले हम वचन में जाएं, कुछ कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार हम लोग है ना पाप कर जाते हैं, हम लोग गलती कर जाते हैं और फिर हमारे लाइफ में तकलीफ चालू हो जाती है और हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, मेरी तो परीक्षा हो रही है, मेरी तो परख हो रही है। नो, आपके पाप का परिणाम कभी भी परख नहीं होता। ये बात अलग है कि प्रभु जी आपको हर समय, चाहे आप ऊंचाई पर हो चाहे आप नीचाई पर हो, कभी भी परख सकते हैं। लेकिन आप अपने पाप का परिणाम जो होता है कि आपने गलती की और उस गलती से आपको कुछ तकलीफ आ गई और आप कहने लगे कि मेरी मसीह जीवन बड़ा कठिन है और मेरी परख हो रही, नहीं, आपने पाप किया उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, ये नहीं कि आपकी परख हो रही है। अय्यूब के जीवन को जब आप देखते हो, अय्यूब कोई गलती नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी उनके जीवन में परख आई, टेस्ट हुआ, और वो टेस्ट का रिजल्ट क्या हुआ, उनको दुगना मिला। पहले 4,000 थे तो 8,000, पहले 7,000 थे 14,000, उनके पहले बच्चे थे खूबसूरत थे लेकिन बाद में इतने खूबसूरत हुए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पहले पश्चिम के देशों में सबसे अमीर थे लेकिन बाद में जब दुगना हो गया तो मुझे लगता है पश्चिम के जो ग्राफ था वो भी उन्होंने क्रॉस कर दिया होगा। ऐसे ही आपके जीवन को प्रभु ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में परख आती है। इससे पहले कि आप अभिषेक को मांगो और प्राप्त कर लो, आपकी लाइफ में परख आती है। आपकी लाइफ में परख आना ये बात दिखाता है कि आप कहां जा रहे हो। आप अपनी लाइफ की परख बताओ, मैं आपके आपकी डेस्टिनेशन को बताता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपकी लाइफ की परख को तौलकर यह निर्धारित किया जा सकता है कि आप कहां जाओगे। कुछ लोग कहते हैं हमारी लाइफ तो बिल्कुल मस्त है भैया, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं, इसका मतलब उनने सौदा किया है, इसका मतलब उनने दो नाव की सवारी की है, इसका मतलब उनने परमेश्वर को पीठ दिखाई है। आपकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, इसका मतलब या तो आपका हाल ही में टेस्ट हो चुका है या फिर आप जो है प्रभु में हो ही नहीं अच्छे से, दो चीज हो सकती है। इसलिए आपकी लाइफ में टेस्ट बहुत जरूरी है। अदन की वाटिका से टेस्ट चालू हो गया था, फल नहीं खाना, आदम ने फल खा लिया। आज भी हमारी लाइफ में टेस्ट होता है और हम गलत निर्णय लेते हैं और हमारी निर्णय ही हमारे जीवन को बनाते हैं। परमेश्वर ने हमें आजादी दी है, चुनो, मैंने जीवन मरण रख दिया तेरे आगे, तू जीवन को चुन ले। लेकिन हम चुनते क्या है, मरण, हम चुनते हैं पाप को, हम चुनते हैं बुराई को। और जब हम गलत मार्ग पर आ जाते हैं और हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं तो हम भेड़ होते हुए भी तकलीफ में होते हैं। मसीह जीवन इतना तकलीफ से भरा नहीं है जितनी तकलीफ हमारे जीवन में है। कारण क्या है, हम पाप ज्यादा करते हैं, हम निर्णय गलत लेते हैं, हम पाप ज्यादा करते हैं, इस कारण से हम लाइफ में तकलीफ में पड़ते हैं, ठीक है ना।
और जब जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है, कुछ ब्लेसिंग आने वाली होती है, कुछ ब्रेक थ्रू होने वाला होता है, तो आपकी लाइफ में टेस्ट आता है। इसका मतलब कि परख के सीधे बाद आपको आशीष मिलने वाली है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, परख में जो है डामाडोल हो जाते हैं। और बड़ी कुछ लड़कियां रोती हुई मेरे पास आती हैं और फोन करती हैं कि भैया 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 बहुत तकलीफ हुई, मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे घर ने, मेरे सबने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, ऐसा किया। और वो क्या, उनका रिक्वेस्ट क्या होती है, भैया मेरे लिए दुआ करो, मुझे तो लग रहा है मैं फांसी लगा लूं, मुझे तो लग रहा है मैं मर जाऊं, मुझे तो लग रहा है मैं अपनी लाइफ खत्म कर लूं, मुझे तो पंखा दिखता है और मेरे को गलत गलत विचार आते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो टेस्ट में फेल हो गए। इसका मतलब है वो टेस्ट में फेल हो गए, साफ सरल शब्दों में वो फेल हो गए। और वो लाइफ की परिस्थिति बार बार रिपीट होती है। कभी आपने देखा कि आपने टेंथ का एग्जाम देकर वापस टेंथ में आपको बिठाया गया हो? नहीं होता है। जब आप एक टेस्ट पास करते हो तो आपको नेक्स्ट लेवल का टेस्ट मिलता है। क्या आप समझ रहे हो? जब आप एक टेस्ट पास करते हो नेक्स्ट लेवल में जाते हो। जब आपको फेल कर जाते हो आप, तो बार 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 सेम परीक्षा हॉल में, सेम क्लासरूम में आपको बैठना पड़ता है, सेम एग्जाम देना पड़ता है, सेम आपको फेलियर हो जाता है आपकी लाइफ में। क्या आप समझ रहे हैं इस बात? Praise the Lord. डिस्ट्रेक्शन पर ध्यान नहीं दें, परमेश्वर पर ध्यान दें, वचन पर ध्यान दें। डिस्ट्रेक्शन होते रहेंगे, वो हमें आदत है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? टेस्ट अदन की वाटिका से आ गए थे, और जब आपकी लाइफ में टेस्ट आ रहे हैं तो प्रभु चाहते हैं कि आप ब्लेमलेस निकलो, दोष रहित निकलो, पाप रहित निकलो। लेकिन आपका कहना कि मुझे पंखा दिख रहा है, मुझे फांसी लगाना है, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, मुझसे नहीं हो रहा, अब तो मैं घुटने टेकने वाला हूं, मुझे तो लगता है परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, इतनी दुआओं का मुझे कोई असर नहीं मिला, और परमेश्वर मेरे साथ ऐसा है वैसा, और खुदा से लड़ने लग जाते हैं। वचन कहता है क्या मिट्टी कुमार से कह सकती है तूने मैंने मुझे ऐसा क्यों बनाया? कह सकती है क्या? हम क्या कह सकते हैं खुदा से कि परमेश्वर आपकी ये प्रॉब्लम है, आपकी ये गलती है? हु आर यू? आप कौन है जो ऐसा कहते हैं? क्या आपने दुनिया देख ली? अरे आप अपने अपने सर के बाल नहीं गिन सकते आप। दुनिया तो बहुत दूर की बात है, जो आपके सर पर है उसे आप नहीं गिन सकते। आप अपना एक बाल ना काला ना सफेद कर सकते हो। आप कौन हैं जो परमेश्वर से कहते हैं कि मैं लड़ूंगी खुदा से, मैं लड़ूंगा खुदा से? हु आर यू? ये स्ट्रेंथ कहां से आती है? ये ताकत कौन देता है आपको? इसका मतलब सीधा यह है कि शायद हो सकता है आपको वचन का मुझे ज्ञान ना हो, या हम बहुत ज्यादा शरीर में चलते हो, या हम बहुत ज्यादा सोल में चलते हो, मुझे नहीं पता। प्रभु मुझे क्षमा करें, उन लोगों का हिसाब परमेश्वर करेंगे, और परमेश्वर के साथ सबका रिश्ता अलग होता है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं वचन के आधार पर खुदा से लड़ना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि वचन मुझे एक चीज बताता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैं मिट्टी हूं और वो कुम्हार है, तो जैसा उसने मुझे बनाया है वैसा मेरे साथ होगा। लेकिन हम पाप अधिक करते हैं और परख में आते हैं, परीक्षा में आते हैं, और हम क्या ब्लेम करते हैं? परमेश्वर की गलती है, परमेश्वर के कारण हो रहा है, प्रभु जी हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, हमने तो सब कुछ अच्छा किया, हमने तो। एक बात बताइए, क्या आपने दुआ करके खुदा पे एहसान कर दिया कि आपकी दुआ नहीं होती तो काम ही नहीं होते? ऐसा कुछ है क्या कि आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता? एलिया जी बोलते हैं मेरे अलावा इसराइल में कोई नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि 7,000 लोग ऐसे हैं जिनने घुटने नहीं टेके, उनको उनका नॉलेज क्लियर हुआ। हमको भी कई बार लगता है कि हम हैं तो ही काम हो रहा है, हमने उपास किया तभी काम हुआ, हम नहीं करते दुआ तो काम नहीं होता। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपके जैसे हजारों हैं और आपसे बेहतर है, मुझसे बेहतर है, जो परमेश्वर के उस जवाबदारी को जो हम करते हैं उससे ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसे अनुग्रह की बात समझो कि आपको सेवा दी गई है, इसे दया के परिणाम के रूप में लो कि परमेश्वर ने दया की है कि आपको चुने, कि आपको इस्तेमाल करे। अगर वो नहीं चुनते तो आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते थे चुनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की दया को छोटी बात नहीं समझें, परमेश्वर से लड़ना बंद करें। जब आप मुंह से नेगेटिव कह देते हैं आप फेल हो जाते हैं। लोग बड़ा खुश होकर जवाब देते हैं, अब तो मेरे घर में सब ठीक है। बड़े खुश होकर मेरे पास फोन आते हैं, मैं बता रहा हूं ना इसलिए आपको, बड़े खुश होकर, भैया अब तो सब ठीक हो गया, अब तो मेरी मम्मी ठीक है, मेरे पापा ठीक है, मेरा भाई ठीक है, वो मेरे घर के सब लोग ठीक है, अब तो मेरी खेती ठीक है, वो मेरे नौकर ठीक है, मेरे जॉब वाले ठीक है, मेरे बॉस ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है।
मुझे कोई रत्ती भर खुशी नहीं होती। उसका कारण क्या है? मुझे खुशी तब मिलती जब वो सबसे ज्यादा नेगेटिव परिस्थिति में अपना मुंह खोलकर कहते थैंक यू लॉर्ड, जब अपना मुंह खोलकर कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, जब अपना मुंह खोलकर कहते जब उनको बिल्कुल निचोड़ा जाता तब वो कहते धन्यवाद प्रभु। आपको वो सरमन याद होगा, हर विश्वासी निचोड़ा जाता है और निचोड़ने पर अगर प्रेम और विश्वास नहीं निकलता इसका मतलब गड़बड़ है आपकी लाइफ में। जब आपको निचोड़ा जाता है तो खुदा के प्रति, खुदा के लोगों के प्रति प्रेम, खुदा के प्रति विश्वास जब आपके अंदर नहीं निकलता है इसका मतलब है कि आपने जो है वचन नहीं लिया था अपनी लाइफ में, स्टोर नहीं किया था, आपकी लाइफ में संसार था। जब आपको कोई प्रेशर में रखता है तो आपको गालियां निकलती हैं क्योंकि आपकी लाइफ में ईश्वर नहीं है, परमेश्वर आपके अंदर नहीं बसता, दिमाग में है। मुंह से तो आप पास्टर के आते से ही बिल्कुल संत बन जाते हैं। केवल आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। पास्टर के आते ही, मेहमानों के आते ही हम बिल्कुल सखदूत बन जाते हैं और जैसे ही वो गए उसके बाद हमारा मुंह खुल जाता है, उसके बाद हमारा सब सब सारा जो असली असलियत असली शब्द है ना, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, रहने का तरीका, सब कुछ सारी तरीके बदल जाते हैं। लेकिन हम तो है ना, इसका मतलब क्या है, हम झूठा दिखावा करते हैं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मन पर होती है कि आदमी इंसान अंदर से क्या है खुदा जानता है। जब आप कहते हो ना प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, मुझे एक सच्ची घटना याद आती है, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन प्रभु ने बहुत अभिषेक उतर रहा था, दो लड़कियों के ऊपर अभिषेक उतरने वाला था और एक के ऊपर अभिषेक उतरा और दूसरे के ओर मैं जा रहा था, मैं उसकी ओर हाथ बढ़ाने वाला था, प्रभु उसको अभिषेक देना चाह रहे थे, प्रभु ने कहा रुक जा। मैंने कहा लॉर्ड मैं तो चाहता हूँ कि इसको अभिषेक दूँ, प्रभु ने कहा उसके जीवन को तो देख। जब उसकी उसके फ्यूचर को प्रभु जी ने उस एक सेकंड के अंदर, दो सेकंड के अंदर मुझे बता दिया, मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया, मैंने कहा सॉरी लॉर्ड गलती हो गई, आज के बाद मैंने एक चीज शिक्षा ले ली है, मैं जल्दबाजी में किसी को कुछ नहीं दूंगा, जल्दबाजी में किसी के अभिषेक को मैं प्रार्थना नहीं करूंगा कि किसी को अभिषेक मिल जाए, जब तक मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं परखूंगा, जब तक वो मेरे अधीनता में परख से नहीं गुजरे तब तक मैं किसी को रिलीज नहीं करूंगा, क्योंकि सेवा अभिषेक वरदान भावनाओं से नहीं चलते। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? आपकी भावनाओं से किसी को सेवा नहीं दे सकते आप। आपने हाल फिलहाल में पास्टर अंकुर नरुले जी को सुना होगा, वो अपने किसी एक आदमी बेटे को अभिषेक देना चाहते थे, परमेश्वर ने कहा पूछ उससे, उसकी गर्लफ्रेंड ने क्या, और वो मना नहीं कर पाया, उन्होंने कहा हाँ पाजी हाँ जी, उनने अपने हाथ को रोक लिया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलती की, मैंने अपना अभिषेक लोगों को दे दिया, उनको लगा कि वो अभिषेक थे, मैंने अपनी सेवा उनको दी, अपना अधिकार उनको दे दिया, मैंने कहा जाओ सेवा करो, जिस सेवा में वो इस्तेमाल हुए वो अभिषेक उनका नहीं था, वो अधिकार उनका नहीं था, उनको दे दिया तो उनको लगा ये उनकी सेवा है, ये उनकी बुलाहट है। हर आदमी ये चीजें नहीं जानता है, इसीलिए वचन कहता है नया चेला खड़ा नहीं हो जाए कि उस शैतान का सब दंड पाए, क्योंकि आपको नहीं पता जब पास्टर आपसे कहता कि जाओ तो उसके जाने के पीछे आपको अभिषेक भी मिल गया, सामर्थ भी मिल गई, प्रोटेक्शन भी मिल गया, स्वर्गदूत भी सुरक्षा के लिए चले गए और उनको लगता है कि हमें सेवा मिली और हम अभिषिक्त हैं। नहीं, आप अपनी परख तो बताओ तब ये डिसाइड होगा कि आप कितने कितने अभिषेक में चलोगे, आपका क्या भविष्य होगा, आपका क्या फ्यूचर है। टेस्ट टेस्ट विदाउट टेस्ट हम सब चाहते हैं, हमको लगता है ले हैंड से सब होगा। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, आप परख से गुजरो, बंद कमरे में से अभिषेक खटखटा के आपको अभिषेक देकर चुपचाप चले जाएंगे बिना कुछ बोले, और जरूरत भी नहीं पड़ेगी उनके आने की, अब तो यूट्यूब है, अब तो सोशल मीडिया है, वैसे ही आपको वो सब दे देगा खुदा, उसकी जरूरत नहीं है कुछ देने की। हालेलुया, मुझे खुदा ने वो सब कुछ दिया जो मुझे इच्छा थी और मैंने चाहा, मैंने मांगा। हर एक बड़ी प्रार्थना के बाद एक बड़ा टेस्ट चालू होता है, आप अपने टेस्ट से गुजर के बताओ। आपका टेस्ट बताता है कि आप कहां जाओगे, आपका टेस्ट बताता है कि आपकी फ्यूचर क्या है, आपका टेस्ट बताता है आप कितने अनॉइंटेड हो। आप जब किसी अनॉइंटिंग को यूं ही रिजेक्ट कर देते हो, ये तो यूट्यूब है, ये तो फेसबुक, ये तो ये टीवी, आपको पता है, कभी आपने सुना कि मेरे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मैं इस बात के लिए कि अभिषिक्तों के विरोध में मुंह खोलने से खुदा ने मुझे रोका है। वो शैतान जो अभिषिक्तों के विरोध में लोगों को भरता है,
घूम फिर के मेरे पास भी आता ही रहता है, अभी भी चालू है उसका आना जाना, जब तक धरती पे हो सकता है वो हार नहीं मानेगा, लेकिन खुदा मुझे बचाए मेरी यही दुआ है। तो जब वो मेरे पास इतना फ्रिक्वेंटली घूमता है, जबकि मैं जानता हूं वचन के आधार पर कि ये चीज गलत है, आपके पास कितना घूमता होगा जब आपके मुंह से अभिषिक्तों के विरोध में निकल जाए। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टमैटिक हम वचन में चलेंगे तब आपको शायद समझ में आए। ब्रेक थ्रू के पहले, कुछ उन्नति के पहले आपकी परीक्षा होगी, इससे पहले कि आपको नए पायदान पे, न्यू प्लेटो पे प्रभु जी ले जाएं, आपकी परीक्षा होगी। टेस्ट में पास होना, खुदा की दृष्टि में विश्वास से योग्यता प्राप्त करना और पास हो जाना उन सारी चीजों में, ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। ना कि मुझे नया अभिषेक मिल जाए, अरे आप कितना ही बड़ा अभिषेक ले लो, अगर आप टेस्ट से गुजरे बगैर अगर अभिषेक को पा भी लोगे ना, आप टिका उसको संभाल नहीं सकते, क्योंकि अभिषेक पाने के बाद तो नया टेस्ट चालू हो जाता है, नया लेवल का टेस्ट चालू हो जाता है। प्रभु जी को जब अभिषेक मिला, यर्दन पार उनकी परीक्षा होने लगी। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, टाइम टेस्ट होता है, वर्ल्ड टेस्ट होता है, आज भी स्टेटस पे संसारी गाने चल रहे हैं, दैट मींस उनके हार्ट में अभी भी वर्ल्ड है। उनकी बुलाहट तो पास्टर की वाइफ की है, पास्टर की है, पास्टर की बहने हैं, पास्टर की पत्नियां हैं, पास्टर की फैमिली है, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के फैमिली के मेंबर हैं। अपने आप को अभिषेक कहते हैं लोग, उनको आत्मिक मानते हैं, और जब उनका स्टेटस आप खोलते हो तो आपको वर्ल्ड दिखता है। इसका मतलब क्या है? आप जितने ही मुंह से बोल लो कि मुझे प्रेजेंस में ऐसा लगा, आपका आपका अंदरूनी अस्तित्व जो गहराई में छुपा हुआ है, जो अभी तक ऊपर नहीं आया परख परीक्षा के द्वारा, जब फोन कॉल आया आपके बेस्टेस्ट फ्रेंड का और आप दुआ कर रहे हो, तो आप उसको बिजी करोगे या उठा के बोलोगे मैं 2 मिनट बाद लगाती हूं, बस इतने में चुनाव हो जाता है खत्म, उसके बाद आप 2 घंटे दे दो खुदा को। लेकिन आपने जो फोन उठाकर बोला ना, इसने खुदा को बता दिया कि इंपॉर्टेंस वो है। आप करते हो, खुदा नहीं करते, प्रभु जी पक्षपात नहीं करते, आप चुन लेते हो। आपने वहां पर फ्रेंड को चुन लिया, आपने वहां पर संडे को है ना, आपने चर्च जाने के बजाय और कुछ चुन लिया, मेहमानों को चुन लिया, बिना कॉम्पिटेटिव एग्जाम को चुन लिया। आपके और खुदा के बीच में जो कोई भी आएगा, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आप उसके लिए कितने ही कमिटेड हो, चाहे वो आपसे कितनी प्यार करती हो और आप कितने प्यार करते हो, अगर वो खुदा के और आपके रिश्ते के बीच में आएगी तो उसे हटना पड़ेगा। और फिर आपके ये फोन कॉल्स, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस आप उठा उठा के देखते हो, रिप्लाई भी कर देते हो, फिर वेट में बैठ जाते हो, फिर दुआ में बैठ जाते हो। इसका मतलब क्या है? खुद ही आप जवाब दो, क्या आप उस अनॉइंटिंग के लायक हो? क्या आप क्या इस क्या आप ईमानदार हो खुदा के प्रति? ये सोचो आप, क्या आप ईमानदार हो खुदा के प्रति? प्रभु जी ने नहीं बोला, लेकिन अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए आपने है ना फलानी जगह चले गए, फलानी जगह का आपने खा लिया, फलानी जगह आपने पी लिया, फलानी जगह आपने दोस्ती कर ली बिना किसी मतलब के, आपने जो है रिलेशनशिप बना लिए, सब कुछ अपनी मनमर्जी से आप कर रहे हो, खुदा के वचन का आप विरोध कर रहे हो। जब ये सारी चीजों में, छोटी छोटी चीजों में आप फेल हो रहे हो, तो आप आगे क्या करोगे? सोच कर देखिए। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, टाइम टेस्ट होता है, वर्ल्ड टेस्ट होता है, हमारे शरीर से, हमारे अंदर से मिस्र निकला नहीं है, आज भी वही संसारिक गानों की धुन बजती और हमारे पैर है ना हिलने लगते हैं। इसका मतलब क्या है? संसार निकला नहीं है, आप प्रभु में हो, ऊपर ऊपर से अंदर से जो है ना संसार भरा हुआ है आपके। और 40 साल लग गए इसराइलियों को मिस्र निकलने में, और कुछ लोगों के तो निकले ही नहीं, इसलिए जंगल में वो नाश हो गए। कई लोग ऐसे ही हैं, प्रभु में आ जाते हैं लेकिन संसार से दिल नहीं भरा है, संसार अभी निकला नहीं अब उनके अंदर से। और थोड़ी सी परिस्थिति आती है, थोड़ा सा देखो आप डीजे बजना चालू हो और उसके बाद देखो वो क्या होते हैं। हाँ, थोड़ा सा वो संसारी चर्च में तो वो बहुत होली दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनकी फैमिली में फंक्शन आने दो, फिर देखो वर्ल्ड टेस्ट में फेल हो जाते हैं, कुछ लोग टाइम टेस्ट में फेल हो जाते हैं। प्रभु 3 महीने में ये काम हो जाना चाहिए, और प्रभु जी ने 3 महीने क्या 3 साल में वो काम नहीं हुआ, ले विश्वास डगमगा गया, क्या पता मैं चुनी गई कि नहीं चुनी गई, क्या पता मैं, शैतान ये सारी चीजें भरता है और हम फेल होने लग जाते हैं यहाँ पे। इन सारी चीजों में आप संभलोगे कैसे? वचन के द्वारा। अगर वचन नहीं है आपकी लाइफ में, आप संभल नहीं सकते। शेष गीत में लिखा हुआ है कि हे उत्तरी वायु आजा, हे दक्षिणी वायु तू भी बह। उत्तरी वायु मतलब ठंडी हवा है,
नॉर्थ की जितनी विंड होती ठंडी हवाएं होती है, वो ठंडी हवाओं में क्या होता है, ठंडी हवा मतलब वो सीजन जब आप वेट में होते हो, डीप वेट में होते हो, जब आप प्रेजेंस में होते हो, ब्रेक थ्रू में होते हो, लाइफ में ज्यादा ट्रबल्स नहीं होते, आप उन्नति कर रहे होते हो, सब जगह कुछ अच्छा हो रहा होता है, ऑल ऑफ अ सडन एकदम से लहर बदल जाती है, आपको पता नहीं चलता है, आपको तो लगा था सब ऐसे ही चलता रहेगा महीनों तक, ऑल ऑफ अ सडन अगले ही दिन से आपके लाइफ में परिवार वाले खटर पटर करने लगते हैं, इंटरफियर करने लगते हैं, रोकने टोकने लग जाते हैं, आपकी पास्टर से नहीं बनती, आपकी घर में नहीं बनती, आपके रिश्तेदार में नहीं बनती, आपके फ्रेंड सर्कल में नहीं बनती, और आपको सब जगह लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपको लगता है मैं दुआ भी कर रही हूँ फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा, क्योंकि हम हमेशा दुआ क्या करते हैं, प्रभु सब अच्छा हो सब अच्छा हो सब अच्छा हो, ये दुआ की सब अच्छा हो उससे अच्छी दुआ ये है, प्रभु चाहे कुछ भी हो मैं आपके प्रति ईमानदार हूं, प्रेज द लॉर्ड, इससे अच्छा कुछ नहीं है कि आप खुदा की दृष्टि में विश्वास से होकर निकलो, सबसे अच्छा ये है, प्रेज द लॉर्ड। जब उत्तरी वायु आती है तो सब अच्छा होता है, लेकिन जैसी दक्षिणी वायु चलती है, हमारे दक्षिणी वायु साउथ की विंड वो गर्म होती है, जब गर्माहट आती है लाइफ में, सब जगह तपन होती है, लू लगती है, तब हम अपने असली चेहरा दिखा देते हैं, सब कुछ अच्छा है तो हम अच्छे होते हैं, सब कुछ नेगेटिव है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो टेस्ट है वो बताता है कि हम कहाँ हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप बाद में पढ़ सकते हो शेषगीत उसका 4:13-14, 15-16 शेषगीत 4:13-16 अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है इन दोनों वायु के विषय में, आप पढ़ोगे आप ब्लेस हो जाओगे, आप आने वाले समय में पढ़ना। चलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब जो मुख्य चीजें हैं टेस्ट में हमें प्रूव होना है तो हमें क्या क्या करना होगा, देखो किस किस की चीज में टेस्ट होते हैं, ये सारी चीजें मैं बैठा हुआ था प्रभु जी कई सारी चीजें मेरे हृदय में डाले जा रहे थे और मैं नोट डाउन कर रहा था कि ओके मुझे ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सबसे पहली चीज, क्या आप तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने अपने क्षमता को कम मत होने दो, अभी इसे बोर मत हो जाओ, सरमन अभी चालू नहीं हुआ है, अभी से लग रहा है कि बस पेट भर गया और हो गया, सरमन तो अब चालू होगा, कैपेसिटी को बढ़ाओ थोड़ी अपनी। प्रेज द लॉर्ड, क्या क्या इंपॉर्टेंट है सरमन लाइफ में, परिस्थितियों के बीच में, सबसे पहली चीज आप क्या कहते हो। अच्छा एक चीज हमको लगती है और थोड़ा सा क्लियर करते हैं इस विषय को, ध्यान से सुनो प्रभु जी आपसे मुझसे बातें करें, हमको लगता है टेस्ट मतलब परिस्थिति, नेगेटिव परिस्थिति जल्दी से ठीक हो जाए, भैया दुआ करो मेरी मम्मी मान जाए, पापा गुस्सा नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा भाई सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, ये बताता है कि आप शायद हमारा अस्तित्व जो है एक बालक की तरह है, हम बच्चे हैं, तीन स्तर होते हैं, पॉलुस क्या कहते हैं, जब मैं बालक था तो बालकों की तरह बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी, लेकिन जब मैं स्याना हो गया बालकों की बातें छोड़ दी। प्रभु जी का वचन कहता है कि जब हम पढ़ेंगे अभी अय्यूब के विषय में तो आप देखोगे कि वहां पर टेस्ट ये नहीं था कि वो क्या क्या कहना चाहिए, वो परमेश्वर को छोड़ देता है कि नहीं, या फिर वो विश्वास डगमगा जाता है कि नहीं, या फिर वो परमेश्वर बैकस्लाइड टाइप का हो जाता है कि नहीं, इस टाइप का टेस्ट नहीं था। वो टेस्ट काय का था पता है? चलो मैं आपसे लोगों से पूछता हूं, काय का टेस्ट था अय्यूब की लाइफ में, टेस्ट क्या था? उनके बच्चे मर गए, उनकी संतान चले गई, सब कुछ चल गए, टेस्ट क्या था? टेस्ट क्या था? उनने क्या किया नहीं, टेस्ट क्या था? टेस्ट क्या था? परख तो थी, परख काय की थी? आप लोग भी जो सुन रहे हैं, आप लोग सोचिए सोचिए सोचिए, ऑनलाइन सुनने वाले लोगों सोचिए, टेस्ट क्या था? देखो देखो देखो, सोचो 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 टेस्ट ये था कि वो क्या कहता है। आत्मिक जीवन के हाई लेवल के जो टेस्ट हैं उसमें बस ये देखा जाता है, छोटे हो या बड़े, उसमें बस ये देखा जाता है कि आप क्या बोलते हो, और अय्यूब के मुंह से क्या निकलेगा ये देखने के लिए उनके बच्चों को जान से मारना पड़ा, उनकी संपत्ति को पूरी तरह से मिट गई,
उनकी पत्नी उनके विरोध में हो गई, शरीर में सिर से पैर तक फोड़े हो गए और चमड़ा गिरता था, कीड़े लग गए थे, घाव बदबू मारते थे, नंगे बदन राख में लोटते और ईंट से अपने शरीर को घिसते थे। इतनी खुजली चलती थी कि वो घिसते घिसते खून निकल जाता होगा, घाव हो जाते होंगे, कीड़े होते होंगे, मक्खियां होती होंगी। और ये सारे टेस्ट उस दास की लाइफ में इसलिए हुए कि वो क्या बोलता है। क्या समझ रहे हो? टेस्ट काय का था? टेस्ट पहली चीज जो आपको सीखने को मिलती है वो क्या है कि जब आप लोगों की लाइफ में टेस्ट होगा तो आप मुंह खोलकर क्या बोलते हो। टेस्ट में हम कुछ चीजें देखेंगे, पहली चीज क्या है, आप मुंह से क्या बोलते हो, ये होता है टेस्ट। ये नहीं कि आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ बिगाड़ा नहीं, आपने अपने घर में बंद कमरे में पड़ोसी ने कुछ किया तो अपने मुंह से आपने अपने परिवार में क्या बोला, ये होता है टेस्ट का पहली चीज जो देखी जाती है। टेस्ट में लोग बोलते हैं अरे भैया बहुत नेगेटिव परिस्थिति थी, हैं? उनने ये भी बोल दिया मेरी तो इच्छा हो रही मैं मर जाऊं, मेरी तो इच्छा हो रही कोई मुझे मार दे, है ना, अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं तो परमेश्वर से चिड़ी हूं, ये सब कुछ कर लेते हैं। और जब परिस्थिति निकल जाती तो क्या बोलते हैं, भैया प्रभु जी का धन्यवाद हो, मैं सब कुछ अच्छा हो गया, मुझे दया आती है और मुझे लगता है कि इन लोगों को इतना भी नहीं पता। अच्छी बात है, आप लोग बहुत बड़े हो, आप लोग वो परमेश्वर ने बहुत वरदानों में बढ़ाया सब चीजों में, लेकिन आपको इतनी सी बात नहीं पता कि परिस्थितियां आपकी लाइफ में आई ही इसलिए थी कि आपको तो वरदान मिल गए, लोग आपको आत्मिक समझने लगे। जब परिस्थिति चालू हुई आपने मुंह खोलकर नेगेटिव बोल दिया और आप फेल हो गए, और जब परिस्थिति आप जैसे ही नेगेटिव बोलोगे ना थोड़े दिन बाद परिस्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और आपको लगेगा सब कुछ ठीक हो गया। और जब आप मुझे गवाही देते हो ना, मुझे कोई खुशी नहीं मिलती, मुझे कोई खुशी नहीं मिलती, मुझे खुशी इसमें मिलती, छोड़िए छोड़िए, लेकिन जब आप उस परिस्थिति में पॉजिटिव रहो, कहो कि फर्क नहीं पड़ता, ये परिस्थिति इससे बड़ी भी हो तो भी मैं स्थिर रहूंगी, तूने मुझे थप्पड़ मारा तू दो थप्पड़ और मार तो भी मैं तुझे आशीष दूंगी। मैं वो लड़का था जब मैंने अपने घर से दो फायर कर दिए थे, लेकिन जब मैं पास्टर बन गया तो एक बंदे ने गाली बककर मेरे ऊपर ऐसा हाथ उठाया, और ये शायद भाई आप गवाह होंगे ना, आप थे कौन थे, ये भाई साथ में थे, गवाह हैं, चश्मदीद गवाह, गाली बक रहा था वो, मेरे माता पिता को कोई बुरा बोल दे तो वो बुरा हो जाता था पहले, लेकिन जब उसने हाथ उठाया मेरे पापा को गलत गलत बोल रहा था वो, और हाथ उठाया, जितने लोग मुझे पुराने जीवन को जानते हैं उनके लिए मेरेकल था कि मैंने कुछ नहीं किया, भाई लोग तो शायद नए नए जुड़े थे। उस दिन मैं घर आया, मैं गुस्से में कुछ नहीं किया, मैंने घर आया और मैं फूट फूट के रोने लगा, और प्रभु जी ने मेरे मन में डाला घर के अंदर घुसने के पहले क्षमा कर देना, मतलब कमांड नहीं किया, डिमांड भी नहीं किया, लेकिन बस मेरे हृदय में बात आई जितना जल्दी मैं क्षमा करूंगा उतनी जल्दी मुझे भी भविष्य में क्षमा मिलेगी। वचन कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उससे तुम्हारे लिए नापा जाएगा। कुछ लोग 3 साल लगा देते क्षमा करने में कि आप उसने आपकी घर की दीवार पर थूका था बस गुटका, और आपने 3 साल लगा दिए क्षमा करने में। जब आपको क्षमा चाहिए प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, अपना नाप क्या ठहराया है आपने, दूसरों को क्षमा करने में तो सालों साल तक नहीं भूलते, उसने 10 साल पहले 12 साल पहले 40 साल पहले मेरे साथ ऐसा किया, और जब खुद ने गलती की प्रभु प्लीज मुझे क्षमा कर दो, हम तो पापी हैं आप सब जानते हैं। तुम जो नाप ठहराते हो उससे तुम्हारा हिसाब होगा, तुम जल्दी क्षमा करोगे तुमको जल्दी क्षमा मिलेगी, तुम 3 साल लगाओगे किसी और को क्षमा करने में क्या तुमको जल्दी क्षमा मिलेगी। प्रभु में तो आ गए लेकिन हम वचन में कहां है प्रेम, कितना है वचन हमारे अंदर। उस समय प्रभु जी का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु जी ने मुझे सिखाया और मैं घर आ गया और बाद में सब कुछ ठीक हो गया दुआओं से।
समझ रहे हो? तो आज मुझे संभलने की जरूरत है। तलवार आपके हाथ में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी चला दोगे। इससे पहले कि वरदान मांगो, पहले चरित्र मांगो, क्षमा करने का दिल मांगो, पहले अभिषेक नहीं, पहले चरित्र मांगो, ताकि आपको चरित्र अच्छा मिले। क्योंकि जब सेवा में चलते हैं ना, तो सब लोग अपने चेहरे जिनके है ना आपके सामने, तो वो सब अच्छे रहते हैं, लेकिन वही लोग जिनके लिए आप रात दिन दुआ कर रहे, उपास कर रहे, वही लोग आपके पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये सेवा की एक सच्चाई है। जिनके लिए आप जान देने के लिए तैयार होते हो, वही आपको जो है क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। प्रभु जी ने यही किया था, लोग उन्हीं को चढ़ा रहे थे, प्रभु ने कहा इनको क्षमा करना। जब तक आपके अंदर ये कैरेक्टर नहीं है प्रभु जी, जैसा कि क्रूस पर चढ़े रहो, तकलीफ में रहो, खून बह रहा हो, तो भी कह सको कि प्रभु ने क्षमा करना, तब तक आप कैसे अभिषेक मांगते हो, कैसे आप सामर्थ को मांगते हो? क्योंकि आप उस सामर्थ को जो परमेश्वर ने अच्छा करने के लिए दिए मिसयूज कर सकते हो। इससे पहले कि आप सामर्थ मांगो, चरित्र मांगो, ताकि आप बद्दुआ ना दे दो जब परिस्थिति आए। आपके घर वाले कुछ करें तो आप उनको श्राप ना दे दो। आप अपने परिवार के लिए न्याय ना मांग लो, क्योंकि आपने जैसा न्याय मांग लिया, वचन कहता है जिसके तुम क्षमा करोगे क्षमा कर दिए जाएंगे, जिसके तुम रख दोगे उसके रख दिए जाएंगे। बाप रे बाप, सोच कर देखो। प्रेज द लॉर्ड। ये सब जो बातें हैं ये वचन से मैंने आपको किए हैं, इसलिए जब परिस्थितियां आए तो प्रभु मैंने तो क्षमा कर दिया, आप दंड देना, मैंने तो क्षमा कर दिया, आप न्याय करना, मैंने तो क्षमा कर दिया, लेकिन आप, मैं तो जानती हूं आप तो न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आपने क्षमा कर दिया तो आप उम्मीद करो कि प्रभु जी भी, आप कोशिश करो, ऐसी दुआ करो प्रभु उनको भी आप क्षमा कर दीजिएगा, प्लीज लॉर्ड मैंने क्षमा कर दिया, आप भी कर दीजिएगा लॉर्ड। मूसा ने ये नहीं कहा कि ये तो मुझे सजाते रहते, अब इनका न्याय कर दो। मूसा ने कहा कि प्रभु इन्हें गलती की मैं मानता हूं, इनकी जगह मेरा नाम जीवन की पुस्तिका से काट दो, है ना, मेरा नाम जीवन की पुस्तिका से काट दो और इनको आप बचा लो। कितनी बड़ी बात है, क्या आप समझ रहे हो? परख में आप क्या बोलते हो, इस पर डिपेंड है कि आप कितने आत्मिक हो, इस पर नहीं कि वो परिस्थिति कितनी जल्दी दूर होती है, कितनी देर से दूर होती है। भैया सब ठीक हो गया, मेरे पापा ठीक है, मेरी मम्मी ठीक है, मेरा भाई ठीक है, मेरा पति ठीक है, मेरी पत्नी ठीक है, इस चीज से खुशी नहीं मिलती। इस चीज से खुशी मिलती कि टेस्ट के हाई पॉइंट पर, जब सबसे ज्यादा आप दबाए गए थे, आपने क्या बोला मुंह से, ये टेस्ट है। चलिए जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ अय्यूब पहला अध्याय का 11वां पद इंग्लिश में लिखा हुआ, चलिए हिंदी में पढ़ता हूं। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, ये शैतान बोल रहा था, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। टेस्ट ये था कि वो मुंह से क्या करेगा, टेस्ट ये नहीं था कि उसको वो, और किसी प्रकार का टेस्ट नहीं, टेस्ट ये था कि मुंह से क्या बोलेगा। ठीक है, दूसरी बार भी जब आप पढ़ते हो अय्यूब दूसरे अध्याय के 5, 6, 8, 10 में, वहां पर भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि अय्यूब ने कुछ नहीं बोला, यहां तक कि पत्नी क्या बोलती, स्त्री कहने लगी 9वें पद में 2:9, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। वो क्या उकसा रही थी, बोल दे, नेगेटिव बोल दे, निंदा कर दे खुदा की। अय्यूब क्या बोलते हैं, तू एक मूड स्त्री सी बातें करती है, हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। इन बातों में भी परमेश्वर, अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, मुंह से उसकी लाइफ को इतना किचोड़ा गया, दबाया गया, सारे बच्चे एक ही दिन में मर गए, एक ही दिन में सारी संपत्ति चले गई, एक ही दिन में घर भी चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। और वो शख्स जो है परमेश्वर को बुरा भला कह सकता था कि मैंने तो इतनी आज्ञा मानी और आपने मुझे ये दिया। बोल, हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो लड़ जाते हैं मिट्टी लड़ जाती अपने कुम्हार से, अपने ईश्वर से, ये है हमारे लेवल। क्या हमें ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर से चिढ़ना चाहिए? नहीं ना, हम ऐसा करते हैं, प्रभु जी क्षमा करें। शैतान भी परमेश्वर के, प्रभु यीशु के पास आकर क्या बोलता, कह दे पत्थर रोटी बन जाए, कह दे। क्योंकि आप जो बोल देते हो वहीं आप पास होते हो, वहीं फेल होते हो। और हम तो नजरअंदाज करते हैं, भैया वो तो गलती से निकलेगा, भैया वो तो, अरे वो तो मैं सीरियस नहीं थी उस समय, तो भैया वो थोड़ा गुस्से में थी इसलिए बोल दिया मैंने, ऐसा कोई मानती नहीं हूं मैं।
आपने जो गुस्से में बोल दिया, आपने जो रोते में बोल दिया, आपने हंसे में बोल दिया, जो भी आपने बोला वही चीज है, परमेश्वर ने देखी है, वही चीज काउंट होती है जो आप मुंह से बोलते हो। तो टेस्ट में पहली चीज आप क्या बोलते हो, ठीक है? देखो आगे चलते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलिए, समय नहीं है, मैं बहुत इसमें डिटेल में सारी चीजों में जाना चाहता था, लेकिन समय का अभाव है और मुझे लगता है कुछ लोग तो अभी से ही। हालेलुया, वचन को पूरा सुने, आप आशीषित होंगे। दूसरा जो टेस्ट में जो चीजें परखी जाती है, वो टेस्ट में ये परखा जाता है कि आप परख के टाइम में परमेश्वर के प्रति आपका व्यवहार कैसा है और मनुष्यों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है। पहली चीज तो ये देखी जाती है कि आप मुंह से क्या बोलते हैं टेस्ट में। दूसरी चीज ये देखी जाती है कि आपका व्यवहार परमेश्वर से कैसा है, मनुष्यों के साथ कैसा है। और जैसे आधी चीजें तो इससे रिलेटेड पहले ही बोल चुके हैं, जब परिस्थिति आती है तो हम परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं, अजीब अजीब सी दुआ करते हैं, प्रभु मुझे उठा ले। योना क्या बोलते हैं, मुझे उठा लो, है ना? हालांकि हम उनकी परिस्थिति से नहीं गुजरे, इसलिए मैं उनका आदर करता हूं। और मैं ये भी नहीं सोचता कि मैं उस जगह होता तो मैं तर्शीश नहीं भागता, मैं तो तर्शीश से भी शायद आगे निकल जाता। मैं अपने आप को किसी चीज के लायक नहीं मानता हूं, और ये सच्चाई है, मुझे कोई घमंड नहीं। अगर मैं मूसा जी की जगह होता तो मैं डंडी को दो चार बार और मारता और शायद प्रभु जी मुझे क्षमा करें, मैं अपने पद का गलत उपयोग भी शायद करता। एक पास्टर होकर मैं ये सोचता हूं कि उन गलतियों को जो लोगों ने किया उससे बड़ी बड़ी मुझसे हो सकती थी। आप कभी ये मत सोचना कि नहीं, हम बहुत बड़े सिद्ध इंसान हैं, हमसे नहीं होता, वो तो योना भाग रहे थे। आप योना की जगह होते, गारंटी है, गारंटी है। सोच कर देखो, क्या हमसे पाप नहीं हुआ? क्या आज हम बुराई नहीं करते? क्या आज हम गलत चुनाव नहीं करते? सब कुछ जानते हुए भी हम गलत मार्ग पर नहीं जाते? जब हमसे ये गलती होती है तो हम और वो लोग कुछ अलग नहीं है। अपने आप को उनसे कम माना करो, बेहतर मत मानो। एलिया जी बोलते कि मैं अपने पिताओं जैसा नहीं हूं, लेकिन कोशिश ये करो जो गलती उनसे हुई वो आप मत करो। घमंड मत करो कि मैं तो उसकी तरह नहीं हूं। जब आप ऐसी मानसिकता के साथ जाते हो ना, खुदा मेरे से तो ये गलती नहीं हुई है, वो है ना, प्रभु जी ने दृष्टांत ये बात बताई थी कि एक पापी चुंगी लेने वाला आता है और एक फरीसी आता है, वो हाथ उठाकर कहता है मैं इस बंदे की तरह नहीं हूं, है ना। आप ऐसे मत बनना, ये मत सोचना कि वो तो मूसा जी से हो गई, हमसे नहीं होती, वो तो आदम की जगह मैं होता तो मैं तो फल भी नहीं खाता, पूरी दुनिया अच्छी होती। आती है ये सोच, आती है, लेकिन मैच्योरिटी इस बात में कि आप ये जान जाओ कि आप आदम की जगह होते तो भी आप वही गलती करते, यही मैच्योरिटी है, ठीक है। आपका व्यवहार खुदा से कैसा है, खुदा के लोगों के साथ कैसा है, लोगों के प्रति आप क्या करते हो, इस बात पर डिपेंड है। आप क्या बोलते हो उससे आप पास और फेल होते हो। आप परमेश्वर से कैसा व्यवहार रखते हो और परमेश्वर के लोगों से कैसा व्यवहार रखते हो, इस पर डिपेंड है। कुछ लोग अपने कलीसिया में ही बुरा बोलने लग जाते हैं, वो पास्टर ऐसा, उनने तो, वो भैया तो हमारा तो फोन ही नहीं उठाया उनने, वाह 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 गजब के व्यवहार आपके, वो पास्टर तो ऐसा है, वो भाई तो ऐसा है, वो तो मुझे जमता नहीं, वो तो वैसा है। थोड़ी सी आपको कोई परिस्थिति हो जाए और आपका मुंह जब खुलता है, आप परमेश्वर के प्रति कैसे हो और लोगों के प्रति कैसे हो, इसमें भी आप पास और फेल हो जाते हो, समझ रहे हो। तीसरी चीज, आपका विश्वास कहां है, जब परिस्थिति आती विश्वास कहां रहता है आपका। प्रभु जी ने कहा 6 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में नहीं हुआ तो क्या आपका विश्वास वहीं रहेगा, रहेगा वहीं कि डगमगा जाएगा। प्रभु जी ने कहा हो जाएगा और नहीं हुआ, मैं एक सच्ची घटना बताता हूं। मैं एक शहर में था, वहां पर एक हॉस्पिटल में मैं गया था। हॉस्पिटल में जब मैं सीढ़ी से जा रहा था, मेरे साथ कुछ लोग थे, भाई लोग थे,
उस सीढ़ी पर एक मॉमडन, एक मुसलमान भाई थे दाढ़ी वाले, और वो उनकी मम्मी रो रही थी और वो बहुत टेंशन में थे, और मैं प्रभु का दास जहाँ भी मैं देखता हूँ थोड़ा सा तो मेरा दिल जो है वो करता है। मैंने पूछा क्या हो गया भाईजान? उन्होंने कहा कि यार मेरी पत्नी और को प्रेगनेंसी है, डॉक्टरों ने बोल दिया है कि मुश्किल है, पत्नी मतलब एक को चुनो, या तो बच्चा बचेगा या, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। और जब ऐसी स्थिति थी तो मैंने प्रभु जी, मुझे बोझ मिला, मैंने दुआ करी तो प्रभु जी ने मुझे बताया लड़की होगी। और मैंने उनको कहा भाईजान आपको लड़की होगी, चिंता मत करो, बस इतना ही बोला, भाईजान चिंता मत करो लड़की होगी, सब ठीक होगा। और मैं चले गया। आधे घंटे बाद जब मैं नीचे से वहां वापस आया तो वो बड़े खुश थे और फोन लगा के बोलते अरे अरे बधाई हो बधाई, और वो सब एक्साइटमेंट चल रहा था। मैंने कहा भाईजान क्या हुआ? वो बोलते लड़का हुआ। क्या बोलते? लड़का हुआ। और मेरे मुझे झटका लग गया, प्रभु जी के अनुग्रह से कोई अगवाई गलत नहीं होती, और ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु जी ने मुझसे कहा था कि लड़की हुई है और उसको लड़का हो गया, और मेरा मुझे तो लगा कि क्या मुझे गलत क्या हो गया है, ये मेरी तो जमीन खिसक गई थी, मैं डिस्टर्ब हो गया। उस दिन कॉन्फिडेंस ही नहीं था किसी के लिए दुआ करने का। मैं घर आया टेंशन में, क्या मेरे को सारी अगवाई जो मिली वो गलत थी? मैंने एक अभिषेक दास से, जिनको मैं जानता हूं, जिनको परमेश्वर एक्यूरेट अगवाई देते हैं, मैंने उनको फोन किया। एक अभिषेक दास हैं पास्टर जी, एक सेवक, एक भाई हैं। मैंने कहा, मैं एक शहर में गया था, एक भाईजान से मैंने बात की, उनको संतान हुई, प्रभु जी से पूछिए संतान कौन थी। उन्हें दुआ करी, उन्होंने बताया भैया लड़की थी। मैंने कहा नहीं, दोबारा कंफर्म करो। उन्होंने कहा, फिर दोबारा देखा, परमेश्वर ने बताया लड़की है। मैंने उन्होंने कहा भैया लड़की थी। मैंने कहा नहीं, फिर से पता करो। फिर से उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने बोला भैया लड़की थी, उस आदमी ने आपसे झूठ बोला, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता है कि वो जो संतान होती है दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं तो उस संतान पर अटैक होता है, उस संतान पर नजर लग जाती है, उसका बुरा होता है, इसलिए उसने आपसे झूठ बोला, लेकिन उसको लड़की हुई है। तब मुझे शांति मिली। ओके लॉर्ड, मतलब परमेश्वर ने मुझे सही बताया था। ऐसा कई बार हुआ, कई बार लोग मुकर गए, कई बार प्रभु बताता है इसके साथ ऐसा है, उसके साथ वैसा है, मैं बोल देता, लोग बोलते नहीं भैया ऐसा तो नहीं, नहीं नहीं कुछ कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, साफ मुंह पे मना कर देते, झूठ बोल देते। खुदा के चरणों में जाकर मैं पूछता और फिर परमेश्वर मुझे कॉन्फिडेंस देते, हाँ सही था, चिंता मत करो। तो जब आपके विश्वास की ऐसी परख होगी, क्या आपका विश्वास बना रहेगा? आपको तो झटका लग जाएगा, आप तो भैया रहन दो, अब तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये क्षेत्र बिल्कुल नहीं छूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं अगवाई से, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये तो मैंने एक उदाहरण बताया आपको, आपके विश्वास की जब परख होती है, परिस्थितियों में आपके विश्वास की भी परख होती है। पहली चीज आपके मुंह से आप क्या बोलते हो, दूसरी चीज खुदा के प्रति, लोगों के प्रति क्या व्यवहार होता हो, तीसरी चीज हमने क्या सीखी, आपका विश्वास, समझ रहे हो? हालेलुया। चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, उस परिस्थितियों से गुजरते वक्त आपके दिल की दशा क्या है, ये कोई नहीं जानता, ये आपके घर वाले भी नहीं जानते, ये कोई नहीं जानता, ये जो है अब डीप है, ये परमेश्वर, शैतान तो बस ये देख सकता है कि आप क्या बोलते हो, इसलिए वो परीक्षा किस बात की ले रहा था कि आप मुंह से क्या बोलते हो, लेकिन आपके दिल में क्या है उस तक उसकी पहुंच नहीं है। तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो रैलम है, ये परमेश्वर की रैलम है। हो सकता है आपने मुंह से कभी गाली नहीं बकी, हो सकता है आपने किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन दिल की कंडीशन, मतलब डीप बात है, जिसे परमेश्वर ही देखते हैं बारीकी से, किसके दिल में क्या है। किसी ने आपका सब कुछ कर दिया, कुछ बोल दिया, कुछ नुकसान हो गया, हो सकता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने कुछ नहीं बोला, हो सकता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने मुंह से क्षमा भी कर दिया, लेकिन दिल के सोते में जो उमड़ रहा है वो गुस्सा है या प्यार है,
समझ रहे हो? दिल में जो जो घूम रहा है वो क्या है? क्षमा है, प्यार है, या गुस्सा है, जलन है, नफरत है, ईर्ष्या है, चिढ़ है? बोल तो नहीं रहे हो, आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन दिल की कंडीशन? प्रभु जी तो दिल देखते हैं ना। ऊपर के तो सब लोग बोल देंगे आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन दिल? परमेश्वर दिल देखते हैं। क्या आप समझ रहे हो? चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर हार्ट? आपके दिल की कंडीशन क्या है जब आपकी परीक्षा होती है? प्रभु जी ने मुंह से नहीं कहा था कि प्रभु इनको क्षमा करना ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, उनने दिल से कहा था। उनको ये चिंता थी कि इनका क्या होगा, प्रभु ये पाप इनके सर पर ना जाए, मैं बचाना चाहता हूं। वो अपनी नहीं सोच रहे थे, वो उनकी सोच रहे थे। जब परिस्थिति आपकी लाइफ में होती है, क्या आपका दिल में इतना प्रेम है कि कितना ही कुछ दबाया जाए और आपके अंदर से प्रेम निकले? अगर नहीं तो क्या आप खुद आप जवाब दो, खुद सोचो कि आप पास होते हो टेस्ट में? फिर आप कहते हो भैया मेरा तो इतने साल से हम प्रभु में, उन्नति क्यों नहीं हो रही? यहां दिख रहा है ये चीज है जो प्रचार हो रहा है, यहां उन्नति होती है। ये पर्सनली सारी चीजों से मैं पर्सनली गुजरा हूं, इसलिए प्रीच करने की अथॉरिटी परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है। समझ रहे हो? आपके दिल की कंडीशन क्या? आप दोष लगा रहे हो खुदा पर, मनी मन, दिल दिल अंदर ही अंदर आप चिढ़ हो रही है आपको खुदा से, या जिस बंदे ने आपसे कुछ नेगेटिव बोला, आपकी कंडीशन क्या है दिल में? अंदर ही अंदर कुछ उबाल आ रहा है? अगर हां, इसका मतलब मैच्योरिटी नहीं है, परफेक्शन नहीं है। और एक बात याद रखो, ये सारे टेस्ट में जो पास होता है ना, वो कौन है पता है? कौन होता है टेस्ट में पास? इन सारे टेस्ट में पास होने से किसको महिमा मिलती है? किसको महिमा मिलती है? वचन कहता है जब आप पढ़ते हो नीति वचन, उसका 27वां अध्याय का 11वां पद कहता है, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपनी निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। समझ रहे हो? जब आप टेस्ट में पास हो जाओगे, प्रभु जी को महिमा मिलेगी, परमेश्वर जीतेंगे, अर्थात परमेश्वर को महिमा मिलेगी। वचन कहता है प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर का मन आनंदित करें पास होकर। परमेश्वर ने अय्यूब जब पास हो गए तो शैतान से कहा होगा, ठीक देख लिया, हो गई तसल्ली, ये मेरा बंदा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा दास है, प्रेज द लॉर्ड। और सबसे ज्यादा किसी का चेहरा उतरता है ना आपके पास होने पे, तो किसका है? शैतान का। वो उसको बिल्कुल जलन हो जाती होगी। लेकिन जब आप कहते हो ना मैं मर जाऊं, मुझे तो नहीं जीना, तो प्रभु जी को बुरा लगता और शैतान वहां ताली बजाते, ये देखो दुआ करते समय तो बिल्कुल दुष्टात्मा को ऐसे निकालती है जैसे पता नहीं क्या है। और अब देखो जब इसका टेस्ट हुआ तो मुंह से बड़ी बड़ी बात है, चर्च में तो इतनी वो बनती है, इतना वो बनता है, शैतान बहुत मजे लेता है, बहुत मजे लेती है दुष्टात्माएं, बहुत दुष्टात्माएं हंसती हैं, इंजॉय करती हैं जब कोई पाप करता है। जब एक विश्वासी लड़की किसी अन्य जाति लड़के से फोन पे बात करती है ना, दुष्टात्माएं दो चार जो जिसने दुष्टात्माओं ने उनको अन्य जाति लड़के से जोड़ा है, वो तालियां बजाती है। और जो दुष्टात्मा पाप में गिराती हैं, चाहे अभिषिक्तों को या किसी को भी, उनकी रैंकिंग बढ़ जाती है, उनका पद बढ़ जाता है, अंधकार के जगत में उनका ओहदा बढ़ जाता है। और वो जो दास, वो जो दासी, वो जो भाई बहन विश्वासी पाप करता है, उनका स्तर गिर जाता है, विश्वास योग्यता वो खो देते हैं। ठीक है, इसको मैं प्रूफ कर सकता हूं। जब शिमशोन से गलती हुई तो क्या हुआ? वो लोग अपने दागोन देवता को साथ में लाए, और स्त्रियां और वहां के लोग जो है जय जयकार कर रहे थे उस आत्मा की। समझ में आ रही है? जब आप पाप करते हो तो परमेश्वर को महिमा में नहीं मिलती, शैतान को खुशी होती है। इसलिए पाप करना बंद करो। टेस्ट में मर जाऊं, मर जाऊंगी, अब तो मुझे नहीं जीना, अब तो मैं मर जाऊंगी, मुझे आप वरदान दिखाकर इंप्रेस नहीं कर सकते। आप जब कुचले जाते हो और जब आप थैंक यू कहते हो और आप हंसते हो और आपका दिल की कंडीशन भी सही होती है, तब मुझे आप पर भरोसा होता है, तब खुदा को भी आप पर भरोसा होता है। मैं क्या हूं? खुदा को आप पर भरोसा होता है, खुदा को आप
के जीवन से महिमा मिलती है। कई आत्मिक बच्चे, कई बात मैं उनसे बात करना बंद कर देता हूँ, कई टाइम तक मैं बात नहीं करता। कारण क्या है? उनकी कंडीशन, उनके दिल की, वो ऊपर से उपस्थिति में है, बड़ी अच्छी अच्छी बात, दिल नेचर हार्ट की डीप में वो क्या इंसान है, जब आपको वो पता चल जाता है तो आपका दिल रूठ जाता है। समझ रहे हो? ऊपर से आप क्या बोलते हो उससे अच्छा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी दिल की कंडीशन क्या है। कुछ लोग हमेशा से, सालों से विश्वास में है, सालों से, भैया मेरे लिए दुआ कर दो, फोन लगाओ तो भैया मेरे लिए दुआ कर, आना सबसे दुआ। अरे लाइफ को खुदा अंदर से देखता है। भविष्यवक्ताओं में जो सबसे बड़ा हुआ वो मनुष्यों के बीच में रहता ही नहीं था, टिड्डी और मधु खाता था, रोम का वस्त्र पहनता था, ऊंट के रोम का वस्त्र। भविष्यवक्ताओं में वो सबसे बड़ा था। आपको लगता है आप चुरा लोगे अभिषेक, आपको लगता है चुरा लोगे आशीष, आपको लगता है यहां भग जाओ वहां भग जाओ, हजार बार प्रचार कर चुका हूं, भगने से नहीं होता। यहां भी आपने एक दास की एक गवाही को सुना है, दुनिया भर में भागने से नहीं होता है, उन्नति एकांत में मिलती है। कितनी बार मैं समझाऊं नहीं आती समझ में। दिल साफ नहीं है खुदा से और दुनिया भर की मक्खन मलाई पोत कर किसी से कुछ करवा लें, किसी से कुछ करवा लें, ये दुआ वो दुआ सब कुछ करा लें और कोई लाइफ में ब्लेसिंग दिखती नहीं है। आपका हार्ट नहीं है खुदा के साथ सही तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। दिल मेन है, खुदा दिल देखता है। आपका हार्ट की कंडीशन सही होना चाहिए। आप दिल में जो है वही तो मुंह पर आता है, लेकिन शैतान की लिमिट, मनुष्यों की लिमिट केवल मुंह तक है, खुदा तो दिल को देखते हैं। हो सकता है आप इतने रिजर्व टाइप के इंसान हो कि आपको किसी से बुरा बोलते नहीं बनता, लेकिन दिल की कंडीशन तो आपकी बुरी है। फिर परमेश्वर दिल को देखते हैं। खुदा को महिमा देने के लिए जीवन जियो, परमेश्वर को महिमा दो। आप जब पास हो जाओगे खुदा को महिमा मिलेगी और उसका प्रतिफल जरूर आपको मिलेगा। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, मत दो दोगा खुदा को, मत दो धोखा खुदा को। परमेश्वर आपके दिल को देखता है। किसको धोखा दे रहे हो? खुदा। खुदा कितना बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। किसको धोखा दे रहे हो? परमेश्वर जब आपको देखता है, तौलता है, तो आप हल्के मिलते हो, हल्के। आपकी मुंह की बातें बड़ी हैं, दिल में इतना सा दिल है, क्षमा की जगह ही नहीं है। जरा सा कोई कुछ बोल दे मुंह से नेगेटिव निकल आता है, क्योंकि दिल में वो भरा है। अंदर ही कचरा है, अंदर ही मिलावट है, अंदर ही गड़बड़ी है। वचन कहता है क्या, एक ही सोते से खारा और मीठा दोनों पानी निकल सकते हैं। प्रभु को धोखा देना बंद करूं, पास हो टेस्ट में। हो सकता है आपको परमेश्वर ने अभिषेक बहुत बड़ा दे दिया हो, वरदान खूब दे दिए हो, लेकिन जब कोई आपका बुरा करे आप न्याय मांगते हो कि क्षमा, यहां दिखता है। प्रभु का वचन कहता है मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूं, और यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। यह परमेश्वर का ज्ञान है जो आज प्रीच हो रहा है। परमेश्वर खुदा की दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं टेस्ट में। परमेश्वर को आपको टेस्ट में से सब कुछ अच्छा करना नहीं, परमेश्वर को आपको पास करना अच्छा लगता है। हर बेटा चाहे, हर पिता चाहेगा ना कि उसका बच्चा पास हो, लेकिन हम रोकर क्या बोलते हैं, सब ठीक हो जाए प्रभु प्लीज। हमारी लाइफ में परिस्थिति चालू हो और हमारे 3 दिन 7 दिन 21 दिन 40 दिन के उपास चालू हो जाते हैं, और दुआ क्या होती है पता है, 40 दिन सब ठीक हो जाए। हद है भाई साहब, समझ रहे हो? क्या ये कि आपको नहीं लगता कि ये स्तर बहुत ज्यादा छोटा है, बचपना है इसमें, बहुत ना समझी की सोच है ये, क्या आपको नहीं लगता? अगर बुरा लग रहा है तो क्षमा कीजिएगा मुझे, लेकिन सोचिए, सोचिए ये दुआ करना कि प्रभु सब अच्छा हो जाए। आपको ये दुआ करनी चाहिए, प्रभु इससे भी ज्यादा हो तो भी मैं स्थिर बनी रहूं।
जब मुझ पर अटैक होते थे, मैं शैतान से वो बहुत परेशान करता, मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत परेशान रहता था मैं शुरुआती दिनों में, लेकिन खुदा का धन्यवाद और प्रभु ने मुझे आज़ाद किया, लेकिन उन छोटे अटैक से आज़ाद हो गया और उससे बड़े चालू हो गए। ठीक है, एक चीज़ मैंने देखी अपनी लाइफ में, आपको टेस्ट से पास होना है तो ये दुआ करना बंद कर देना, प्रभु मुझे निकाल दे, ये दुआ करना बंद करना, प्रभु मुझे निकाल दे, ये दुआ करना चालू करना, प्रभु जी मैं इस परीक्षा में पास होकर निकलूं। उपास इस चीज के नहीं कि परीक्षा खत्म हो जाए, इस चीज के कि प्रभु मैं पास हो सकूं, उपास रखती हूं कि मेरे मुंह से, मेरे दिल से और इन चीजों से मुझसे गलती ना हो और मैं सिद्ध होकर निकलूं, मुझे क्षमता दे, मुझे हिम्मत दे, मुझे बल दे। ये 3 दिन के 7 दिन के 10 दिन के ये उपास मैं इसलिए रखती हूं कि मुझसे पाप ना हो, इसलिए नहीं कि तू सब कुछ प्रभु आप ठीक कर दें, इसलिए नहीं, समझ रहे हो। जब आपकी लाइफ में परीक्षा आ गई तो दुआ ये किया करो मुझे बुराई से बचा, प्रभु जी ने सिखाया ना, या तो परीक्षा में नहीं पड़ा ला और बुराई से बचा। आपको जनरली ये दुआ करनी चाहिए कि आप परीक्षा में नहीं पढ़ो, क्योंकि आपको पता है प्रभु जी जानते हैं हम परीक्षा में पढ़ेंगे तो सही है ना। प्रभु जी सब ठीक हो जाए उसकी बजाय ये मैं पास होकर निकलूं, आपकी दृष्टि में विश्वास योग्य निकलूं। धीरज सिखा, क्षमा करना सिखा, दिल से माफ करना सिखाइए, दिल से प्रेम करना सिखाइए, परिस्थितियों को, परीक्षाओं को गले लगाना सीखो। आपकी उन्नति इस लेवल पर होगी कि आपका कोई मैच नहीं होगा। मैं एक बात याद रख, मैं एक बात समझता हूं, जानता हूं, मेरे जितने उपास हुए उसमें से यही मेरी इच्छा थी कि प्रभु परीक्षा और बढ़ा दो और पास कर दो, पास निकलना चाहता हूं। हमेशा से एक दुआ करता था, प्रभु 40 साल की नहीं मुझे 11 दिन की यात्रा चाहिए। जब शैतान अटैक करता था, बस इतनी दम है तुझमें, और जा रुक जा अभी, रुक जा और जा 2-4-6 को लेके आ, उसके बाद आना। इन चीजों को प्रैक्टिकली मैंने देखा है और उसके बाद मैं निकला हूं और उसके बाद मेरी उन्नति हुई है। प्रभु आप लोगों को आशीष दें। मेरी कॉपी मत करना, मेरी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ की सोच अलग, कॉपी मत करना, लेकिन वचन के आधार पर जो मैंने आपको बताया वो चीज जरूर करना। प्रेज द लॉर्ड। परिस्थितियां, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, ये नहीं भूलना चाहिए, जब भी प्रचार हुआ है किसी चीज का तो वो चीज या तो चल रही होती है या चालू होने वाली होती है। जब भी प्रचार हुआ है किसी चीज का तो वो चीज आने के पहले प्रभु जी दे देते हैं कि ये देखो, ये सॉल्यूशन ले लो, अब फंसना मत। तो इस हफ्ते ये वचन आपके लिए ढाल बनेगा। आमीन। इस हफ्ते ये वचन आपकी सुरक्षा बनेगा और फेल होने की बजाय आप पास होके निकलोगे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु जी आपकी ऐसी हेल्प करें, मेरी ऐसी, हम सब की, हमारे परिवार के लोगों की हेल्प करें, आत्मिक बच्चों की हेल्प करें प्रभु जी। प्रभु जी हम आज आपके पावन चरणों में आकर मांगते हैं उन आत्मिक बेटियों की, उन आत्मिक बच्चों की, उनकी हेल्प कीजिए लॉर्ड, ये वचन उनकी ढाल बन जाए। ओ मेरे प्रभु परिस्थितियों में स्थिर रहे। अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, खुदा का नाम धन्य है, उसने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। प्रभु जी हमारी दिल की कंडीशन सही रहे, हम प्रभु जी आपके प्रति और लोगों के प्रति व्यवहार ठीक रखें और हम प्रभु जी टेस्ट से पास हो जाएं ताकि आपको महिमा मिले। ओ प्रभु जी आपको महिमा मिले। हाँ मेरे खुदा सहायता कीजिएगा, मेरी सहायता कीजिएगा। सब लोग अपने अपने लिए दुआ करें। ये समय अनुग्रह मांगने का, प्रभु मुझे परीक्षा में दया करना, परीक्षा में ना लाना, बुराई से बचाना। अगर मैं उन परिस्थितियों में आने वाला हूं, आने वाली हूं प्रभु जी, तो मैं पास होके निकलूं,
मेरे प्रियो, आपकी ये दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लाइटली मत लेना, क्योंकि अगर आप फेल हो गए तो हो सकता है आपकी लाइफ में 15 साल और पीछे हो जाओ, 20 साल और पीछे हो जाओ, 40 साल पीछे हो जाओ। हो सकता है आप अनॉइंटिंग मिल रही हो लेकिन अब डिले हो जाए, हो सकता है शादी होने वाली है किसी पास्टर से, हो सकता है किसी अच्छे दास से, हो सकता है किसी बिजनेसमैन से। आप पीछे नहीं होना, आपको पीछे नहीं होना। दुआ मांगो, अनुग्रह मांगो, प्रभु जी से सामर्थ मांगो कि प्रभु मुझे पास होना है, मुझे फेल नहीं होना, मुझे पास होना है लॉर्ड, मुझे ग्रेस दीजिए, मुझे ग्रेस दीजिए, मुझे अनुग्रह दीजिए, प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए, मैं पास होना चाहता हूँ, मैं पास होना चाहती हूँ। अपने लिए दुआ करो, अपने हृदय पर हाथ रखकर दुआ करो, प्रभु मेरे हृदय को बदल दे, मेरे हृदय को बदल दे, अपना दिल दे, अपना मन दीजिए, वचन से मुझे भर दीजिए, परीक्षाओं में स्थिर निकलूं, मुंह से पाप ना करूं, हृदय से पाप ना करूं। प्रभु सहायता करिए, सहायता करिए। मैं अपना जीवन आपको देती हूं, आपको देता हूं प्रभु यीशु के नाम में। अपने लिए दुआ करो, अपने लिए दुआ करो, अपने अपने पतियों के लिए दुआ करो, शादीशुदा हो तो बच्चों के लिए दुआ करो। हो सकता है आपके पति किसी परिस्थिति से गुजरने वाले हो, किसी प्रकार की लालच से, व्यभिचार से, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा से, किसी प्रकार की कोई याद रखो, अगर आप किसी अभिषिक्त की पत्नी हो, अभिषिक्त के पति हो, हालेलुया, याद रखो परमेश्वर आपको बुद्धि दे कि आप ऐसी दुआएं करो, सिस्टमेटिक दुआएं करो। अगर आपके पति पास्टर है तो दुआ करना चालू करो, आपके भाई पास्टर है तो आप दुआ करना चालू करो। प्रभु उन्हें दलीला से बचा, प्रभु प्रभु उन्हें लालच से बचा, प्रभु आप उन्हें प्रभु जी हर एक बुराई से बचाना राजा, आप मुझे बचाना, आप उन्हें बचाना राजा। हालेलुया, दुआ मांगना चालू करो, प्रभु जी से ग्रेस मांगो, अनुग्रह दीजिए, परीक्षा में ना लाइए पिता, बुराई से बचाइए राजा। कई बार परमेश्वर प्रकट कर देते हैं कि तू इस क्षेत्र में सावधान रहना, अनुग्रह मांगा करो डेली, प्रभु उस पाप से मुझे बचा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करो। पाप से बचने के लिए वचन और उपस्थिति दोनों चीजें ही काम आती हैं। आपके लाइफ में सामर्थ कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता, शिमशोन की जितनी सामर्थ आपको मिली, आपकी लाइफ में वचन और प्रेजेंस की जरूरत है। पावर्स होते हुए भी शायद गलती हो जाती है, लेकिन जब प्रेजेंस होती है और वचन होता है तो आप गिरते नहीं हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी से अनुग्रह मांगे, मांगे अनुग्रह कि प्रभु जी मुझे अनुग्रह दे। हालेलुया, इन बच्चों के लिए अनुग्रह मांगते हैं ओ पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनके जीवन साथी, इनके बच्चों के लिए, इनके पति के लिए, इनके व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, हम सब मांगते हैं प्रभु जी अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए। एक सेवक होने के नाते मांगता हूँ प्रभु अनुग्रह दीजिए, परीक्षा में न लाइए परंतु बुराई से बचाइए, परख में हम टेस्ट में पास हो जाएं। परीक्षाओं का होना तो प्रभु जी बिल्कुल तय है, वो होंगी ओ पिता, धन की वाटिका से परख हो रही है, लेकिन प्रभु जी हम पास हो जाएं, हम जीवन को चुने, हम आपको चुने, हम आपका चयन करें, हम आपकी प्रेजेंस को चुने प्रभु जी, आपके साथ समय बिताने को चुने, आपको देखने को, आपको ताकने को चुने। हम अपने जीवन साथी को नहीं चुने, हम अपने बच्चे को नहीं चुने, हम अपनी नौकरी को नहीं चुने, हम अपने प्रभु जी गैजेट्स को नहीं चुने, हम अपनी किसी चीज को नहीं चुने ओ खुदा, हम मोबाइल को नहीं आपको महत्व दें, हम रिश्तों को नहीं आपको महत्व दें, हम मित्रों को नहीं हम आपको महत्व दें, हम अपने कैरियर और एम्बिशन को नहीं प्रभु जी हम आपको महत्व दें, हम पैसे को नहीं प्रभु जी आपको महत्व दें। सहायता कीजिएगा, हम टेस्ट में पास हो जाएं, आपके अनुग्रह मांगते हैं, आपके पास वो क्षमता है, सामर्थ है कि आप हमें पास कर दें। आज हम मानते हैं कि हम नहीं कर सकते, आपके बिना हम फेल हो जाएंगे, आपकी हेल्प के बिना हम वैसे ही फेलियर हैं, हम आपकी हेल्प को मांगते हैं। परमेश्वर की सहायता से मैं बड़े बड़े काम कर सकता हूं, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। प्रभु आप हमारी ओर हैं, आप हमारी ढाल हैं, अपनी उपस्थिति से हमें घेर लें, अपने वचन से हमें भर दें, हमारी सहायता करें। आज से प्रभु हम वचन को पढ़ेंगे, हम अपने कमजोर क्षेत्रों के वचन मांगते हैं, प्रकाशन मांगते हैं, बुराई से बचनों के लिए वचन मांगते हैं। और प्रभु जी हम उपस्थिति में वेट करेंगे, प्रेजेंस में इंतजार करेंगे आपका, ताकि हम बुराई से बच सकें। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में हम सारी महिमा आदर प्रभु जी आपको देते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा कर दिया इस हफ्ते भर के लिए और आने वाले हर दिन के लिए। आपसे अनुग्रह मांगते हैं और हम सब डेली इस बात के लिए दुआ कर सकें, आपके अनुग्रह को चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम इस दुआ को मांगते हैं, आपने मुझे संभाल किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। आई थैंक यू डियर लॉर्ड होली स्पिरिट लॉर्ड जी।
फॉर यूजिंग मी, आई गिव यू ऑल द प्रेजेस एंड ग्लोरी। और कई बार मेरे प्रभु जी, हो सकता है वचन में मुझसे गलती हुई हो और मैं उन सारी गलतियों को मानता हूँ। जो बातें प्रभु जी उचित वचन के आधार पर हैं, उन्हें ये सुने, उनके अनुसार जिए और ब्लेस हो जाए। केवल आपकी महिमा हो प्रभु जी, शत्रु को निंदा करने का मौका ना मिले, बल्कि आपकी महिमा हो और प्रभु जी जय जयकार हो, बड़ाई हो। जब हम पास हो जाएं तो आपकी महिमा हो हमारे जीवन से, और हम पास होकर प्रभु जी वो मुकुट पाए जो आपने हमारे लिए रखा है। वचन कहता है जो जय पाए उसे वो सब दिया जाएगा जो आपने रखा है। प्रभु हम जय पाना चाहते हैं, हमें बल दीजिए, वचन दीजिए, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्णिवानी होती रहे, आमीन। प्रभु जी आप सबों को आशीष दें, आपकी रक्षा करें, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं त्रिएक परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।